नमस्कार थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, दिल्ली में जो हो रहा है उसके बारे में और केजरीवाल जो कर रहे हैं दिल्ली में उसके बारे में। दरअसल केजरीवाल अपनी ही पार्टी के लिए एक पनौती बन चुके हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि केजरीवाल ने विधानसभा, हाल ही में जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें एक मुद्दा लेकर आए। वो क्या लेकर आए? वो लेकर आए कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि अपनी ही पार्टी का लेकर आए। विपक्षियों ने उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा था। ये विपक्षियों का काम होता है कि जो विश्वास मत के बारे में पूछना, अगर किसी की भी जो सरकार होती है अगर उसमें विधायक कम पड़ जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है तो विपक्षी ही इस मुद्दे को रखते हैं और सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। पर विपक्षियों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, पर केजरीवाल अपने ही लिए खुद विश्वास मत लेकर आ गए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा सत्र में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज कॉन्फिडेंस मोशन की बात होनी थी और विपक्षियों की गैर जिम्मेदारा हरकत देखिए, इसके बारे में उन्हें बात ही नहीं करनी, वो पहुँचे ही नहीं। इस तरह की जो बातें केजरीवाल ने कही वो उनकी हरकत को दर्शाती हैं कि वो अपनी ही पार्टी को खुद ही ले डूबेंगे। अब वो विश्वास मत के बारे में बात कर कर खुद ही अविश्वास पैदा कर रहे हैं। अब इन चीज़ों का ढिंढोरा वो पीटेंगे तो फिर अविश्वास तो पैदा होगा ही, क्योंकि बाकी तो ऐसा नहीं करते, अपनी ही चीज़ों को का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, पर केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि केजरीवाल सबसे अलग नेता है जो राजनीति को अलग कदम पर अगले कदम तक ले जाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि विधानसभा सत्र में उन्होंने और क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध दही छाछ, इन पर आज तक 70 से 75 सालों में आज तक सरकार ने टैक्स नहीं लगाया और खाने पीने की चीज़ों पर तो आज़ादी से पहले जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने भी टैक्स नहीं लगाया था। इसके बारे में बात करें तो आज भी जो फ्रेश मिल्क, पॉस्टराइज मिल्क है उस पर कोई भी GST नहीं है। इसका जवाब सदन में सरकार दे चुकी है, इसका क्लियर जवाब दे चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पैकेज्ड जो मिल्क है या फिर और कोई सामान है उस पर टैक्स लगता है, ना कि खुले हुए सामान पर। और गरीब इंसान, जो गरीब आदमी होता है वो खुला ही सामान लेता है, ना कि पैकेज्ड। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी वेबसाइट है टैक्स की, अगर आप उस पर जाएंगे तो सभी आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें बताया गया है कि जो दही लस्सी और बाकी चीज़ें हैं उन पर जो GST से पहले 4% का टैक्स लगाया जाता था और अब लगता है 0%। वहीं दूसरी तरफ वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो उस पर 2.5% टैक्स लगाया जाता था, अब है 0%। राइस की बात करें तो 2.75% इस पर टैक्स लगता था, अब है 0%। आटे की बात करें तो इस पर भी 3.5% टैक्स लगाया जाता था, अब है 0%। और जो गरीब इंसान है वो खुला ही सामान लेते हैं, ना कि पैकेट वाला। अरविंद केजरीवाल और क्या कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन लोगों ने महंगाई बढ़ा रखी है। इन लोगों का मतलब आज की जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने ये महंगाई बढ़ा रखी है और आज ही GST अगर हटा दी जाए तो महंगाई में बहुत ही कम जो है दर गिर जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, इस तरह की बात केजरीवाल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि गरबा पर भी टैक्स लगा दिया गया, देवी माता के लिए जो नृत्य किया जाता था माता रानी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इस तरह की बात करते हैं। तो अब आपको बता दें कि जो GST से पहले 15% का इन पर सर्विस टैक्स लगता था, जिन इवेंट्स की जो टिकट्स होती थी वो 500 रुपये से ऊपर होती थी तो जो है 15% का सर्विस टैक्स लगता था और इसके बाद वैट भी लगता था, तो जो बढ़कर 18-19% हो जाता था, बल्कि GST के बाद ये घट गया है। एक बात बताइए, जब लोग 500 रुपये से ऊपर, मतलब 1000 रुपये, 1500 रुपये इतने का पास खरीद सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, तो 18% की GST नहीं दे सकते? इतना जो है ऐसी बातें की। वही जो GST काउंसिलिंग मीटिंग हुई थी 2018 में, उसमें शायद इनके जो चहीते हैं, जिनको चहीता कहा जा सकता है, मनीष सिसोदिया जी, वो भी शायद रहे होंगे। तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, अगर हंगामा करना ही था इस चीज़ पर तो तभी कर देना चाहिए था,
अब जाकर इनका मुंह खुला है। इस विधानसभा सत्र में आगे क्या कहते हैं केजरीवाल, केजरीवाल कहते हैं कि मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने एक टाइम सब्जी लेना छोड़ दिया है, वो एक टाइम सब्जी लेते हैं और दूसरे टाइम नमक से रोटी खाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगर आप, अब सवाल सिर्फ आपसे किया जाएगा केजरीवाल जी, क्योंकि अगर फ्री में आप बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, चलो बिजली पानी छोड़ दिया, इसके अलावा फ्री में जब आप शराब दे सकते हैं, जब फ्री में आप शराब दे सकते हैं एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, तो आप सब्जी भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जो इनके सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जो इनके अरबपति दोस्त हैं, जीएसटी क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि जो इनके अरबपति दोस्त हैं उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, वो मोदी जी के पास आए, सरकार के पास आए कि भाई हमारा बैंक से कर्जा निपटवाइए। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, अरबपति खरबपति वो आज भी हैं, पर फिर भी वो सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा जो बैंकों से कर्जा है वो माफ़ करवा दीजिए, कर्जा चुका दीजिए। तो ऐसा कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सरकार ने उसको माफ़ भी कर दिया। इस तरह की टिप्पणी सरकार पर की जाती है केजरीवाल जी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जो आपको बता दें कि जो लोन राइट ऑफ करना होता है वो सरकार द्वारा कोई भी जो कर्जा है उसको माफ़ करना नहीं होता है। जो सरकारी बैंक थे पहले, उन्होंने जो NPA लोन रिकवर किया है, यानी कि जिन्होंने सोचा था कि हमारे पास अब लोन देने के लिए पैसा नहीं है, किनारा कर लिया था इस चीज़ से, उनसे 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो कर्जा है उसका भुगतान किया है, मतलब उसको रिकवर किया है। वहीं दूसरी तरफ जो 8 फिस्कल्स थे उनको देखेंगे तो 8.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा लोन यहाँ से भी रिकवर किया गया है, निकाला गया है। तो अब जो ऐसे लोग थे, जो विजय माल्या था, जितना उस पर कर्जा था उससे ज़्यादा वसूला जा चुका है। अभी जो चपेट में आए हुए हैं नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, ये सब जो है चपेट में आए हुए हैं, इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं जबकि वो इनकम टैक्स में रह चुके हैं, उन्हें सब पता है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको पता है कि सरकार ऐसे ही पैसे इधर उधर नहीं कर सकती। सरकार जो भी उन पैसों से करती है, उन्हें अगर कोई योजना भी चलाती है तो पहले लिखित में बिल पास कराना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, उसके बाद ही सरकार उस पैसे को यूज़ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं, दरअसल केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो उनके नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, पहले उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको दबोचा गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया आ गए, उनकी आबकारी नीति जो शराब नीति थी उस पर खूब चर्चा हुई। अब केजरीवाल को ये आदत तो है नहीं, पर फिर वो पैर पटक पटक कर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब उनके लिए घातक साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह वो इस तरह के झूठ बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हैं या बीजेपी है वो हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनको खरीदना चाहते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। और इस तरह वो अपनी ही समस्याएं बढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी उनके नेताओं पर कार्यवाही होती, वो शांत बैठे रहते कि भाई जो होगा देखा जाएगा, तो शायद ये मामला निकल भी जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ आए दिन वो चर्चाओं में बने रहते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया, उन्हें पहले ही पता होता है कि जो मनीष सिसोदिया है अगली गिरफ्तारी उनकी होगी या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, आज किया जाएगा, कल किया जाएगा, परसों किया जाएगा, इस तरह की चर्चा वो लगातार करते रहते हैं जिससे वो चर्चा का विषय बन रहे हैं और अपने लिए ही समस्याएँ खड़ी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।